पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, मैंने इस सॉन्ग को अपलोड किया है अपने चैनल पे और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया और इस सॉन्ग को हम पब्लिश कर देंगे। इस सॉन्ग में व्यूज भी आएगा और कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप भी अपने चैनल पे सॉन्ग अपलोड करके, दूसरे का सॉन्ग अपलोड करके आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार आपको एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको शायद किसी ने आपको YouTube पे बताया होगा। इस टॉपिक को आप यूज करके आप अपने चैनल पे अपनी वीडियो को इस तरह से दूसरे का सॉन्ग अपलोड करके आप अपने चैनल पे बहुत ही आसानी से अर्निंग कर सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आपके इससे सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएंगे और वॉच टाइम भी पूरा जल्दी हो जाएगा। आपको कोई भी रीयूज कंटेंट नहीं आएगा, आपका चैनल तुरंत मोनेटाइज भी हो जाएगा। आप लोगों को कैसे करना है, किस तरह से आपको दूसरे का सॉन्ग अपलोड करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा भी पार्ट आप स्किप करेंगे तो आपको बाद में कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है अगर इस तरह से आप सॉन्ग अपलोड करते हैं। तो पहले आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। जो जो मैं आपको सेटिंग, जो जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसको आप बहुत ही ध्यान से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको करके दिखा देते हैं किस तरह से आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र कोई भी एक फोटो आपको ले लेना है और आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब में जाना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद दोस्तों आपको एक्सप्लोरर पे क्लिक करके आपको ट्रेंडिंग वाला सेक्शन में जाना है। वहाँ से जो भी आपको सॉन्ग पसंद आता है उस सॉन्ग को आपको ले लेना है। तो मैं इस सॉन्ग को ले लिया हूँ। इस सॉन्ग को लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको जो क्रोम ब्राउज़र में स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्रोम ब्राउज़र में जाना है, कोई भी एक बैकग्राउंड पिक्चर्स यानी फोटो कोई भी एक ले लेना है और उस फोटो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। आपको अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे काइन मास्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने में दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करना है और ये वाला साइज आपको सिलेक्ट कर लेना है। साइज सिलेक्ट करने में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड आपको क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड किए हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाला बैकग्राउंड, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने वाला दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको इस तरह से पूरा फुल यहाँ पे साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे और इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसको अपने गाने के हिसाब से बढ़ा लेंगे, जितना मिनट का सॉन्ग रहेगा उतना मिनट आपको इसको बढ़ा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉन्ग का टाइटल सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे क्या करते हैं, हिंदी में इंग्लिश में ही लिख लेते हैं यहाँ पे हिंदी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे आप और यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर इसको हम यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके और इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला फ़ॉन्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और टिक पे क्लिक कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं येलो कलर और इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करें, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से ला देंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे आप जैसा यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं और इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा है हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे छोटा कर लेते। फिर इसको हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इस तरह से। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बारीकी से बताने वाला हूँ और कि आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो आपको क्या करना, फिर यहाँ से इसको इस तरह से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम लिख देते हैं कोई और यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे टाइटल पूरा यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, लेयर को पूरा इस तरह से पूरा फुल कर लेना है अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग। जितना मिनट का आपका सॉन्ग रहेगा उतना मिनट तक आपको यहाँ पे पूरा फुल कर लेना है।
फुल कर तो इस लेना तरह है। से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको पूरा ऐसे फुल कर करके लिया, यहाँ इस पे तरह पूरा से फुल कर लिया, इस तरह से पूरा फुल कर लेना है। उसके पूरा बाद फुल दोस्तों कर आपको यहाँ लेना। पे उसके क्या बाद करना दोस्तों है, आपको यहाँ पे आपको क्या सॉन्ग करना है, को ऐड आपको करना है। तो सॉन्ग हम यहाँ को पे ऐड क्लिक करना है, करते हैं यहाँ पे क्लिक और उस करते हैं सॉन्ग को ऐड कर और लेते हैं। उस हम सॉन्ग यहाँ को पे क्या ऐड करें, करना है। फोल्डर में यहाँ पे जाते क्या हैं करें, फोल्डर और में फोल्डर जाते में हैं। जाने में जो हमने फोल्डर में सॉन्ग जाने में डाउनलोड जो किए हमने हैं सॉन्ग डाउनलोड उसको किए हम हैं यहाँ पे सिलेक्ट उसको कर हम यहाँ लेते पे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट दोस्तों ये कर वाला लेते हैं। सॉन्ग तो है, तो यहाँ इसको पे हम यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट कर कर लेते लेते हैं हैं और और प्लस प्लस पे क्लिक करके और इसको प्लस ऐड पे कर क्लिक लेते हैं। करके उसके इसको बाद ऐड हम कर यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हम टिक पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक क्लिक करने कर में लेते दोस्तों हैं। क्लिक आपको यहाँ करने में में यहाँ पे, दोस्तों आपको यहाँ यहाँ आपको पे इसमें एडिटिंग कैसे आपको करना है वो इसमें पहले एडिटिंग आपको कैसे ध्यान करना से है आप वो लोग पहले देखिए। यहाँ आपको पे ध्यान थोड़ा से भी आप यहाँ लोग से देखिए। आपको आपको वीडियो थोड़ा को भी यहाँ से आपको स्किप नहीं वीडियो को करना है, आप लोग स्किप वीडियो नहीं को पूरा करना है। ध्यान से आपको देखिए, वीडियो थोड़ा को भी पूरा स्किप ध्यान नहीं से देखिए। करना आपको है। स्किप नहीं आपको करना क्या है। करना है यहाँ पे आपको क्लिक क्या करना करना है, है। यहाँ क्लिक पे करने में क्लिक करना दोस्तों है। आपको आपको सबसे सबसे पहले पहले आपको आपको सबसे यहाँ पहले पे आपको इसके ऊपर क्लिक यहाँ करना पे है, इसके वॉल्यूम ऊपर के ऊपर, क्लिक करना है, और वॉल्यूम के इसको ऊपर, आपको यहाँ पे और इसको इसको 50 आपको तक यहाँ पे रखना इसको है। 50 तक फिर रखना आपको है। टिक पे क्लिक कर फिर देना है। आपको फिर टिक आपको पे क्या क्लिक करना है, करना है। यहाँ फिर पे आपको क्लिक क्या करना है करना है, फिर फिर से आपको क्लिक करना आपको है। फिर रिवर्व पे क्लिक आपको करना है। रिवर्व क्लिक पे करने में क्लिक दोस्तों आपको करना है। यहाँ पे क्लिक करने में दोस्तों आपको स्प्रिंग यहाँ पे रिवर्व आपको या स्प्रिंग ऑप्शन दिख रिवर्व जाएगा, आपको इसके या ऊपर फिर क्लिक स्पिंग कर देना रिवर्व है। आपको या फिर क्लिक करने में स्पिंग दोस्तों आपको यहाँ पे रिवर्व क्या आपको करना या है, फिर फिर स्पिंग यहाँ रिवर्व पे आपको क्लिक या कर फिर देना स्पिंग है। रिवर्व आपको क्लिक कर उसके देना बाद है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या उसके बाद करना है, दोस्तों आपको यहाँ पे क्या फिर करना से है, इसके ऊपर टच करना है। फिर फिर से इसको आपको ऊपर वॉइस टच करना है। चेंजर्स फिर पे आपको क्लिक वॉइस करना है। चेंजर्स पे वॉइस चेंजर क्लिक पे करना क्लिक है। करने में वॉइस दोस्तों चेंजर पे आपको क्लिक यहाँ करना पे है। वॉइस एक चेंजर ऑप्शन पे आ क्लिक जाएगा करना है। कोर्स का, इसके वॉइस ऊपर चेंजर क्लिक पे कर देना है। इसके ऊपर क्लिक क्लिक करने में करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक फिर करने से में टिक दोस्तों पे आपको क्लिक यहाँ कर पे देना फिर है। से टिक पे क्लिक टिक पे कर देना क्लिक है। कर देना है। इस तरह से टिक पे करके क्लिक आपको करना है। यहाँ इस तरह पे से करके आपको टिक पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो टिक उसके बाद पे दोस्तों क्लिक आपको करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरा आपको सॉन्ग का यहाँ पे मतलब फिर पूरा एडिटिंग पूरा सॉन्ग का फाइनल हो मतलब जाएगा। एडिटिंग पूरा उसके फाइनल बाद हो दोस्तों जाएगा। आपको यहाँ पे उसके क्या बाद करेंगे, दोस्तों इस तरह आपको से यहाँ प्ले पे क्या कर देंगे करेंगे, इसको इसको प्ले कर देंगे इसको और प्ले करके आप इस सॉन्ग और को प्ले देख करके सकते आप हैं इस और सुन सॉन्ग को सकते हैं। देख सकते हैं उसके सुन बाद दोस्तों सकते हैं आपको क्या करना है, उसके बाद इसको दोस्तों एक्सपोर्ट आपको क्या करने के करना लिए है, इसको इसको आपको यहाँ एक्सपोर्ट पे करने क्लिक के लिए करना इसको है, यहाँ पे क्लिक और करना क्लिक है। करने में दोस्तों आपको और इसको क्लिक करने फोर में के में दोस्तों आपको एक्सपोर्ट इसको करके फोर के आपको में अपलोड एक्सपोर्ट करना करके है। आपको तो हम अपलोड यहाँ पे करना है। फोर को में कर तो लेते यहाँ हैं, पे फोर फोर के को में में, कर लेते हैं, फोर फोर के के में में इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने में दोस्तों जब भी इस वीडियो को आपको अपलोड करना है, तो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश करने से पहले जहाँ से भी जिस चैनल से भी आपने सॉन्ग को डाउनलोड किया है, उस सॉन्ग का आपको क्रेडिट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देना है। जब आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सॉन्ग का क्रेडिट दे देंगे, तो आपके चैनल पे कभी भी कोई भी किसी तरह का कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग जहाँ से भी आपने डाउनलोड किए सॉन्ग को, उस सॉन्ग का क्रेडिट आपको दे देना है। एक बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जिस तरह से मैंने अपने वीडियो इस तरह एडिटिंग करके आप लोगों को बताया, तो आप लोग को भी इसी तरह से एडिटिंग करके ही वीडियो अपलोड करना है। आपको ऐसा नहीं कि उस वीडियो का मतलब डाउनलोड कर लिया, उसी वीडियो को फिर से इस तरह से एडिटिंग करके सिर्फ वॉइस को चेंज कर आप वहां से अपलोड कर दिए, तो आपको इस तरह से नहीं करना। आपको वहां पे पूरा थंबनेल चेंज करना है, कुछ अपना वैल्यू ऐड करना है, यहाँ पे पूरा एडिटिंग करना है आपको अच्छा तरह, जैसे मैंने यहाँ पे करा है उस तरह से आपको करके अपलोड करना है, ताकि आपको कोई भी रियूज कंटेंट का ऑप्शन ना आएगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।